हे गाइस, तो इस हफ्ते तीन बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसमें पहले दिन आई है रजनी सर की रजनी द जेलर। ये सिर्फ हिंदी ऑडियंस के लिए नाम है, बाकी साउथ ऑडियंस के लिए जेलर के नाम से ये रिलीज होगी। तो करते हैं इसका रिव्यू। तो ये कहानी है रिटायर्ड जेलर की, जिनके अपने खुद के बेटे गायब हो चुके हैं, जो कि खुद एक पुलिस कमिश्नर है। फिर क्या, किसने उन्हें गायब किया है और कैसे अपने रजनी सर अपने बेटे को बचाते हैं और वो अपने पुराने दिन जो उन्होंने जेलर के रूप में बिताए थे उनको यूज करते हैं, यही देखना है। तो बात करें डायरेक्शन की, तो मैंने ये बात ट्रेलर में ही कही थी कि ये कहानी आपने साउथ से लेकर बॉलीवुड की बहुत फिल्मों में देखी होगी, तो इस मूवी के साथ भी ऐसा ही है। पर जो इस मूवी का पुराने कॉन्सेप्ट के साथ एक नया मजा देता है, वो है हमारे थलाइवा सर, रजनी सर। मतलब बंदे की 70 प्लस उम्र है और जिस तरह का इस मूवी में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, एकदम एंटरटेनिंग है। जो जब एक्शन चलता है तो आपकी आंखें झुकने नहीं देगा, मतलब फुल मास वाला। फिर आप में आपको कहानी में थोड़ा ह्यूमर के साथ ही थोड़ी बहुत कहानी देखने को मिलती है, जिसके कंक्लूजन आपको सेकंड हाफ में बड़ा ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। मतलब फर्स्ट हाफ में जहां घर परिवार और रजनी सर का प्रेजेंट दिखाता है, तो सेकंड हाफ में आपको उनका वो बदला और साथ ही उनके पास्ट का जेलर वाला अंदाज जो फुल पैसा वसूल है। तो ये फिल्म ओनली उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको अपने पैसे का मास मसाला चाहिए। मूवी आपको कुछ बिना लॉजिक के भी देखने को मिलेगा, पर एंटरटेनमेंट तो करता है बॉस। अब और फिल्म से चाहिए ही क्या, अब हर फिल्म कंटेंट ओरिएंटेड तो नहीं हो सकती ना, ये जरूरी तो नहीं। मूवी में सबसे बेस्ट पार्ट ये है रजनी सर की अपीयरेंस, मतलब इन जैसा स्वेच्छा शायद आज तक इंडिया के किसी हीरो में, मतलब यार आप इनकी एक्सप्रेशन देख लो, मूवी में अलग ही जान डाल देते हैं। और बड़ी बात यह है कि इतने ज्यादा उम्र में भी वो झलकता नहीं है, और इतनी ही तारीफ करनी पड़ेगी विलेन भाई साहब की, क्या ही काम किया है। इनसे नफरत होना तो तय है आपका, मतलब ये बंदा फुल नरेंद्र की फैलाता है। वो बदलते है ना आधी मूवी तो वही हिट हो जाती है जहाँ हीरो से ज्यादा विलन खतरनाक निकले, और उतने ही अच्छे से इसको सेट किया गया है, तो ये मूवी असर करती है। बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो मूवी का बजट लगभग 200 करोड़ के आसपास है, जो ब्रूटिलिटी और एक्शन सीन्स में साफ झलकता है, और कलर टोन वगैरह भी एकदम अच्छी है। बात करें म्यूजिक की, तो जैसा मैंने कहा लॉजिक को साइड में रखकर मूवी को देखे, सॉन्ग ऐसे ही आ जाते बस एंटरटेनमेंट के लिए, पर सुनने में अच्छे लगते हैं। और रजनी सर थ्रिलर चाहे तो मजा दुगना हो ही जाता है। ऑल ओवर की बात करें, तो अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए जिसमें फुल मास मसाला हो और आपका हीरो इतनी बुरी तरह से गुंडों को लोगों की ले, तो भाई ये मूवी आपके लिए है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अब मैं तो यही कहूंगा कि भाई रजनी सर को देखने के लिए ही थिएटर जाओ, देखो हमारे अमिताभ बच्चन वाले टाइम के हीरो को, इनको बोलते एंग्री बैड मैन। और जिस तरह से रजनी सर ने अपना वो स्टार्डअप बनाकर रखा है, अभी के हीरो भी वो मेंटेन नहीं कर सकते है। हेड्स ऑफ रजनी सर, एक लाइन में रिव्यू करूं तो वन मैन शो वाली फिल्म है। तो शेर चाहे बूढ़ा हो जाए, रहता शेर ही है, रजनी सर वो शेर है, और ये शेर OMG 2 और गदर 2 को कड़ी टक्कर देगा। तो यही था मेरा रिव्यू, आशा करता हूँ पसंद आया। लाइक करे, सब्सक्राइब करे MK TV।